अबे अब ये कौन आ गया? अच्छा तो तुम कह रहे हो कि तुम मेरे दोस्त को जानते हो जो कि कुछ दिनों पहले गायब हो चुका है। अगर मैं इस कोऑर्डिनेट पे जाऊंगा तो वो मुझे वापस मिल जाएगा, क्या तुम यही कहना चाहते हो? तो वो भी यहाँ से जा चुका है और मैं भी प्रिपरेशन कर जाने वाला हूँ मेरे दोस्त को बचाने के लिए। और मैंने कुछ अपना सामान मेरे दोस्त के घर के पास भी छुपाया है। ये आ गए मेरे दोस्त के घर के अंदर। यहाँ पर मैंने ऊपर की साइड हे बिल के पीछे कुछ सामान छुपा कर रखा है। तो ये रहे मेरे कुछ वेपन्स और इसमें एक ग्रेनेड भी है। अरे ये कौन है? ग्रीन गॉब्लिन। ये मेरे घर के पास क्या कर रहा है? इसको तो मारना पड़ेगा। फिर ऐसे ही मैंने और भी कई ग्रीन गॉब्लिन को यहाँ पर मौत के घाट उतार दिया। और अब मैं पूरी तरह तैयार था मेरे दोस्त को बचाने के लिए। और फिर मैंने अपने जेट पैक का यूज़ करके हवा में उड़ता गया और मैं एक डेजर्ट में पहुंच गया। और मुझे यहाँ पर एक वॉल मिली और मेरे उस दोस्त ने बोला था कि अगर मैं इसको 3 बार हिट करूँगा तो इसमें अपने आप दरवाज़ा बन जाएगा। 1, 2, 3 और यहाँ पर दरवाज़ा बन गया। जब मैं इस बोर्ड के आसपास घूम रहा था और जब भी मैं पीछे मुड़ कर देखा तो यहाँ पर बहुत सारे ग्रीन गॉब्लिन थे। एक गॉब्लिन तो मुझे मार ही दिया था, इसलिए मुझे यहाँ पर भाग कर छुपना पड़ा। और मुझे यहाँ पर एक गड्ढा भी मिल गया था जिसमें मैं कुछ देर तक छुपा रहा। और थोड़ा बहुत ढूंढने के बाद मुझे यहाँ पर उन दो सिपाहियों ने बताया कि जिन्होंने तुम्हें बुलाया है कि वो ऊपर हैं। और जब मैं ऊपर चढ़ा तो मुझे पता चला कि उनकी रानी एक मकड़ी है जिसने मुझे बुलाया था। इसका नाम था क्वीन विडो। इसने मुझे बोला कि ये एक माउंटेन पे रहती थी और उस माउंटेन पे कुछ मकड़ियों ने कब्जा कर लिया है। अगर मैं उसकी मदद करूँगा मेरे दोस्त को बचाने के लिए मुझे उसके कोऑर्डिनेट बता देगी। इसने मुझे उस माउंटेन के कोऑर्डिनेट दिए जो इतनी भी दूर नहीं था। इसने मैं उस पर बहुत ही जल्दी पहुँच गया और ये माउंटेन बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। मेरे जेट पैक होने के बावजूद भी इसको चढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, पर मैंने अपनी गन तैयार की। यहाँ पर मेरा जेट पैक चलना भी बंद हो गया था और मुझे यहाँ पर वो डीमन स्पाइडर भी दिख गई। उसके मुझे पैर दिख रहे थे और उनके ऊपर ही मैंने शूट कर दिया। शूट करने के बाद वो मेरी तरफ बहुत ही ज़्यादा जल्दी और तेज़ रफ्तार से भागने आई। मेरे उसके सिर्फ 2 या 3 मिनट लगे और उसके बाद मेरी AWM काम ना आई। फिर मैंने अपनी दूसरी गन निकाली और उसके ऊपर धड़ाधड़ फायर करना शुरू कर दिया। पर थोड़े समय बाद वहाँ पर 2 और डीमन स्पाइडर स्पॉन हो गई। उन दोनों स्पाइडर को मारने के बाद यहाँ पर एक जायंट स्पाइडर बॉस भी स्पॉन हो गया। जब मैंने उसके ऊपर शूट किया तो उसने मेरे ऊपर कुछ स्पाइडर छोड़ दिए और मुझे नीचे उतरना पड़ा। पर जब मैं ऊपर गया तो वहाँ पर सारे छोटे छोटे स्पाइडर गायब हो चुके थे। और फिर से मैंने उसके ऊपर धड़ाधड़ जब गोलियां चलाई तो उसके स्पाइडर फिर से स्पॉन हो गए, पर वो इस बार मेरे पीछे भी आ रहे थे। उस स्पाइडर की वजह से मेरा एक टोटम भी यूज़ हो गया और मुझे वहां पर गोल्डन ऑरेंजेस खाकर भागना पड़ा। जेट पैक का यूज़ करके मैंने उसको मार दिया और मैं जब वापस उस विलेज में गया तो मुझे एक सच पता चला। उस स्पाइडर ने सिर्फ मेरा यूज़ ही किया था। वो स्पाइडर उस माउंटेन को हथियाना चाहती थी। फिर वो मेरे ऊपर भारी पड़ने लगी तो इसलिए मैं दरवाजे के पीछे छुप गया और उसको वहीं से धड़ाधड़ मारता गया। पर उसके मरने के बाद यहाँ पर एक राजा स्पॉन हुआ। उसने मुझे शुक्रिया कहा, उसने मुझे अपनी स्टोरी सुनाई और मुझे एक आर्मर भी दिया। उसने मुझे यहाँ पर रहने के लिए एक घर भी दे दिया और उसने मुझे कहा कि आज रात तुम बाहर नहीं निकलोगे। ये घर बहुत ही आलीशान था, पर रात होने में कुछ ही समय बाकी था इसलिए मैं बाहर चला गया। Nothing ever goes as planned in this accursed world. पर एक ड्रैगन स्पॉन हो गया जिसके साथ भी मेरी एक बहुत ही बड़ी लड़ाई हुई। पूरी रात निकल गई। उसके मरने के बाद
उसने बहुत ही ज़्यादा अजीब सी चीज़ ड्रॉप की। पता नहीं मेरा दोस्त भी किस हालत में होगा, कहाँ होगा, मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता।